हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9 के विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज हिंदी विषय के अंतर्गत व्याकरण में मैं आपको वाक्य रूपांतरण पढ़ाऊंगी। इसके लिए आप सभी बच्चे अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 297 निकालें। पेज संख्या कितनी निकालें? 297। मिला बच्चों? देखिए, वाक्य रूपांतरण शीर्षक दिया हुआ है। सबसे पहले नोट है, आईसीएसई परीक्षा में प्रायः निर्देशानुसार वाक्य को रूपांतरित करने से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इस प्रकार के वाक्यों का संबंध निम्नलिखित से होता है। पहला है, विशेषण के स्थान पर भाववाचक संज्ञा का प्रयोग। दूसरा है, भाववाचक संज्ञा के स्थान पर विशेषण का प्रयोग। तीसरा है, सर्वनाम परिवर्तन। चौथा है, वाक्य का अर्थ बदले बिना नहीं जोड़ना या हटाना। पांचवा है, वाच्य एवं काल परिवर्तन। छठा है, शब्द समूहों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग। इसके बाद बच्चों अगला दिया है सातवां, लिंग एवं वचन परिवर्तन। आठवां दिया है, अर्थ एवं रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन। नवा दिया है, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द प्रयोग। और दसवां है, अन्य। बच्चों, ये जितने भी टॉपिक दिए गए हैं या जैसे भी वाक्य रूपांतरण करते हैं, ये सभी, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, वाच्य हो, काल परिवर्तन हो, लिंग हो, वचन हो, अर्थ और रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन हो, यह सब कुछ जो है मैंने आपको पढ़ाया है। तो आज केवल हम जो है पुस्तक के आधार पर, जो आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है, उसे पढ़ेंगे व समझेंगे। सबसे पहला दिया हुआ है बच्चा, बच्चों, विशेषण के स्थान पर भाववाचक संज्ञा का प्रयोग। वाक्य दिया हुआ है, वह भूखा है। इस वाक्य को आपको क्या बनाना है? इस विशेषण के स्थान पर इसका भाववाचक संज्ञा में प्रयोग करना है। तो भाववाचक संज्ञा में जब इस वाक्य को आप परिवर्तित करेंगे तो क्या बनेगा वाक्य? उसे भूख लगी है। दूसरा वाक्य है, मैं बहुत प्यासा हूं। इस वाक्य को भाववाचक संज्ञा में जब परिवर्तित करेंगे तो मुझे प्यास लगी है। तीसरा वाक्य दिया गया है इसके अंतर्गत बच्चों, वह बहुत क्रोधित हो गया। इस वाक्य में क्रोधित के स्थान पर क्रोध का प्रयोग करते हुए हमें भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? उसे बहुत क्रोध आ गया। इसके बाद बच्चों देखिए, चौथा वाक्य दिया है, धूम्रपान के कारण वह कैंसर का रोगी हो गया। रोगी की भाववाचक संज्ञा लगाएं। तो कैसे बनाएंगे वाक्य को? धूम्रपान के कारण उसे कैंसर का रोग हो गया। इसके बाद बच्चों, विशेषण के स्थान पर भाववाचक संज्ञा का प्रयोग, इसके अंतर्गत जो पांचवा वाक्य दिया हुआ है वह ईर्ष्यालु है। और फिर निर्देश क्या दिया हुआ है? ईर्ष्यालु की भाववाचक संज्ञा का प्रयोग करें। तो भाववाचक ईर्ष्यालु की जो भाववाचक संज्ञा होती है वो होती है ईर्ष्या। तो ईर्ष्या का प्रयोग करते हुए वाक्य क्या किया गया है? परिवर्तित किया गया है। और क्या लिखा गया है? वह ईर्ष्या करता है। अब देखिए बच्चों, दूसरा दिया हुआ है खा, भाववाचक संज्ञा के स्थान पर विशेषण का प्रयोग। वाक्य दिए गए हैं और उनके क्या दिए गए हैं? निर्देश दिए गए। पहला वाक्य है, आलस्य के कारण वह सफल नहीं हो पाया। अब देखिए इसमें निर्देश क्या दिया गया है? आलस्य के स्थान पर विशेषण का प्रयोग कीजिए। तो
आलस्य का जब हम विशेषण बनाएंगे तो आलसी बनेगा। तो क्या वाक्य दिया है? आलसी होने के कारण वह सफल नहीं हो पाया। दूसरा वाक्य दिया है, कच्चे आम में बहुत ज्यादा खटास होती है। अब निर्देश क्या दिया गया है? खटास के स्थान पर खट्टा का प्रयोग कीजिए। तो आपको खट्टा शब्द का, खट्टा विशेषण शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य की संरचना की करनी है। तो वाक्य संरचना के अंतर्गत पुस्तक में वाक्य दिया गया है, कच्चा आम बहुत ज्यादा खट्टा होता है। इसके बाद बच्चों तीसरा वाक्य है, वाणी की मधुरता सभी को आकर्षित करती है। निर्देश है, रेखांकित शब्द के स्थान पर विशेषण का प्रयोग कीजिए। तो रेखांकित शब्द क्या है? मधुरता। तो मधुरता का यदि हम विशेषण बनाएंगे तो हो जाएगा मधुर। तो क्या वाक्य रूपांतरण दिया गया है? मधुर वाणी सभी को आकर्षित करती है। इसके बाद देखिए पांचवा वाक्य इसी के अंतर्गत दिया गया है, कंजूसी के कारण वह किसी की सहायता नहीं करता। निर्देश क्या दिया गया है? कंजूसी के स्थान पर कंजूस का प्रयोग कीजिए। तो इसका यदि हम प्रयोग करेंगे तो शब्द क्या बना है, बनाया गया है, वह कंजूस है इसलिए किसी की सहायता नहीं करता। इसी के अंतर्गत देखिए बच्चों पांचवा उदाहरण दिया गया है, मां धर्म का मानव मन पर प्रभाव पड़ता है। धर्म का मानव मन पर प्रभाव पड़ता है। निर्देश क्या दिया गया है? वाक्य में प्रभावित शब्द का प्रयोग कीजिए। तो प्रभाव की जगह किस शब्द का आपको प्रयोग करना है? प्रभावित। तो वाक्य रूपांतरण के अंतर्गत वाक्य रूपांतरित किया गया है, धर्म मानव मन को प्रभावित करता है। इसके बाद जो देखिए गा दिया हुआ है सर्वनाम परिवर्तन। सर्वनाम परिवर्तन के अंतर्गत आपकी पुस्तक में पहला वाक्य दिया गया है, मैं चल नहीं सकता। निर्देश दिया गया है, मैं के साथ से का प्रयोग कीजिए। तो अगर हम से का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा मुझसे चला नहीं जाता। दूसरा उदाहरण देखिए बच्चों, हम तैरना नहीं जानते। निर्देश क्या दिया गया है? हम के स्थान पर हमें का प्रयोग कीजिए। तो जब हमें का प्रयोग हम सर्वनाम का करेंगे तो क्या होगा? हमें तैरना नहीं आता। तीसरा उदाहरण क्या दिया गया है? तुम्हें मुझसे क्यों मिलना है? निर्देश है, तुम्हें के स्थान पर तुम का प्रयोग कीजिए। तो यदि हम तुम का प्रयोग करेंगे तो क्या वाक्य संरचना होगी? तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? उदाहरण स्वरूप चौथा वाक्य दिया गया है बच्चों, वह इस बात से दुखी है। निर्देश क्या दिया गया है वाक्य के आगे? उसे से वाक्य शुरू कीजिए, उसे इस बात का दुख है। तो वाक्य रूपांतरण क्या होगा? उसे इस बात का दुख है। सर्वनाम परिवर्तन के अंतर्गत बच्चों पांचवा उदाहरण दिया गया है, इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं जानता। निर्देश दिया गया है, किसी का प्रयोग कर वाक्य पुनः लिखिए। तो जब हम वाक्य रूपांतरण निर्देशानुसार करेंगे तो क्या परिवर्तित होगा? इस प्रश्न का उत्तर किसी को नहीं आता। बच्चों इसके बाद घा संख्या दी हुई है, वाक्य का अर्थ बदले बिना नहीं जोड़ना या हटाना। ऐसे भी वाक्य आते हैं कि वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए और आपको जो है नहीं जोड़े या हटाए बिना वाक्य की क्या करनी होती है? संरचना करनी होती है। उदाहरण संख्या एक देखिए, कर्तव्य का पालन नहीं करने में दुख है। अब नहीं हटाइए किंतु वाक्य का अर्थ न बदले। तो कैसा वाक्य बनाया गया है देखिए, कर्तव्य का पालन करने में सुख है। दूसरा उदाहरण दिया गया है, उनका जीवन सुरक्षित था। निर्देश क्या दिया गया है बच्चों देखिए, नहीं का प्रयोग कीजिए किंतु अर्थ ना बदले। उनका जीवन सुरक्षित था, तो उनका जीवन असुरक्षित नहीं था। इसमें क्या हो रहा है? नई शब्द का प्रयोग भी किया जा रहा है परंतु अर्थ परिवर्तित नहीं हो रहा है। तीसरा उदाहरण देखिए इसके अंतर्गत बच्चों, इतनी आयु होने पर भी वह विवाहित नहीं है। निर्देश दिया गया है, नहीं हटाइए
परंतु वाक्य का अर्थ ना बदले। तो जब हम इस तरह से वाक्य बनाएंगे तो वाक्य बनेगा, इतनी आयु होने पर भी वह अविवाहित है। इसके बाद बच्चों देखिए चौथा उदाहरण दिया गया है, सभी सांसारिक सुख शाश्वत नहीं है। निर्देश है वाक्य का अर्थ बदले बिना नहीं हटाइए। तो यदि वाक्य रूपांतरण करेंगे तो इस तरह बनेगा, सभी सांसारिक सुख क्षणिक है। इसके बाद देखिए बच्चों वाक्य के का अर्थ बदले बिना नहीं जोड़ना या हटाना। अब देखिए इसके अंतर्गत जो पांचवा उदाहरण स्वरूप वाक्य दिया है वह है, न्यायाधीश का निर्णय सुनकर वह अप्रसन्न हुआ। निर्देश क्या दिया हुआ है, वाक्य में नहीं का प्रयोग कीजिए। तो जब हम वाक्य में नहीं का प्रयोग करेंगे तो वाक्य रूपांतरण होगा, न्यायाधीश का निर्णय सुनकर उसे प्रसन्नता नहीं। बच्चों बहुत सरलता से इसे बार बार जब आप पढ़ेंगे तब आपकी ये समझ में आ जाएगा। वाक्य रूपांतरण के अंतर्गत बच्चों अंगा नंबर है वाच एवं काल परिवर्तन। इसके अंतर्गत भी जो है वाक्य दिए जाते हैं और आपसे निर्देश दिया जाता है कि इस वाक्य को इस काल में या इस वाच में क्या करिए, परिवर्तित कीजिए। पहला वाक्य दिया है, मुसाफिर धर्मशाला में विश्राम करते हैं। देखिए निर्देश क्या दिया गया है, भूतकाल में बदलिए। तो इस वर्तमान काल के वाक्य को आपको किस काल में बदलना है, भूतकाल में बदलना है। तो भूतकाल में यदि इस वाक्य का रूपांतरण करेंगे तो क्या बनेगा, मुसाफिर धर्मशाला में विश्राम करते हैं। इसके बाद दूसरा उदाहरण इसी का दिया हुआ है, हलवाई ने जलेबियां बनाई थी। अब इस वाक्य को आपको किस वाक्य में परिवर्तित करना है, भविष्य काल में बदलिए। तो भविष्य काल में जब इस वाक्य का रूपांतरण किया जाएगा तो वाक्य बदलेगा, हलवाई जलेबियां बनाएगा। तो ये किस काल में हो जाएगा, भविष्य काल में हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो तीसरा उदाहरण दिया है, जंगल के राजा शेर ने पशु समाज की असुरक्षा से चिंतित होकर पशुओं की एक सभा बुलाई, पशुओं की एक सभा बुलाई। निर्देश दिया गया है भविष्य काल में बदलिए, इस वाक्य को क्या करना है आपको, भविष्य काल में बदलना है। तो क्या बनेगा, जब वाक्य रूपांतरण करेंगे तो क्या होगा, जंगल का राजा शेर पशु समाज की असुरक्षा से चिंतित होकर पशुओं की एक सभा बुलाएगा। बच्चों उदाहरण स्वरूप अगला उदाहरण दिया गया है, उदाहरण संख्या चार, अध्यापक बच्चों को पढ़ाएगा। निर्देश क्या दिया गया है, वर्तमान काल में बदलिए, और यदि इसका वर्तमान काल में परिवर्तन करेंगे तो वाक्य क्या बनेगा, अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है। इसके बाद बच्चों पांचवा उदाहरण दिया है, कृषक खेत में बीज बो रहा है। इस वाक्य को किसमें बदलना है, भूतकाल में बदलना है। और जब भूतकाल में बदलेंगे तो वाक्य क्या बनेगा, कृषक ने खेत में बीज बोए। इसी के अंतर्गत बच्चों छठा उदाहरण दिया गया है, पंडित जी कथा सुना रहे हैं। निर्देश क्या दिया गया है, द्वारा शब्द का प्रयोग कीजिए। तो द्वारा शब्द का यदि प्रयोग करेंगे तो वाक्य रूपांतरण क्या होगा, पंडित जी द्वारा कथा सुनाई जा रही है। इसी तरह बच्चों सातवां उदाहरण दिया गया है, पुलिस द्वारा तीन आतंकवादी पकड़े गए। इस वाक्य को किसमें परिवर्तित करना है आपको, कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना। तो कर्तृवाच्य में यदि परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा, पुलिस ने तीन आतंकवादी पकड़े। इसी के अंतर्गत बच्चों आठवां उदाहरण दिया है, रोगी सो गया, रोगी सो नहीं पाया। इस वाक्य को भाववाच्य में बदलना है। तो यदि इस वाक्य को हम भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो क्या बनेगा, रोगी से सोया नहीं गया। इसके अंतर्गत बच्चों नवा उदाहरण दिया गया है, गायक भजन गा रहा है। इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलेंगे। तो यदि इस वाक्य को हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो वाक्य रूपांतरण होगा या वाक्य का परिवर्तित रूप होगा, गायक द्वारा भजन गाया जा रहा है। इसके अंतर्गत बच्चों दसवां उदाहरण है, नटखट बच्चे शांत नहीं रह सकते। निर्देश क्या दिया गया है, भाववाच्य में बदलिए,
और यदि इसे हम भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो वाक्य का रूपांतरण होगा, नटखट बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। तो बच्चों इतना जो कुछ भी मैंने आज आपको पढ़ाया व समझाया है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। वाक्य रूपांतरण के इस टॉपिक को मैं अपने आने वाले वीडियो में भी जारी रखूंगी। तब तक के लिए